Good morning to all of you. You are most welcome in my channel Best Biology. Today we are discuss about digestion. आप सभी का मेरे चैनल बेस्ट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है. आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन यानी पाचन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन है क्या और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. ऐसा नहीं है कि केवल जो पाचन या डाइजेशन जो है वो आपका एक सिलेबस में है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है. अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज है तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने फूड कंटेंट को इस प्रकार से डिसिप्लिन मैनर में कंज्यूम करके कर सकते हैं ताकि आप एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकें. तो इसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में. सो पहला ये क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन है क्या. डाइजेशन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड इट कन्वर्ट टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एपिथीलियम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. पाचन यानी डाइजेशन जो है इसमें होता ये है कि जो जटिल कॉम्प्लेक्स जो हमारा फूड पार्टिकल है इसको जो जटिल पदार्थ है इसको सरल घुलनशील और विसरणशील अवस्था में परिवर्तित किया जाता है जिससे हमारा शरीर इसको सुगमता से ग्रहण कर सके. कोई भी जो आपका फूड है या आप बाहर से कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी उसको तभी अडॉप्ट कर पाएगी जब वो वाटर में डिसॉल्व हो. जो भी आप फूड खाते हैं वो पूरा का पूरा सलाइवा में मिक्स होकर के डिसॉल्व हो जाता है तभी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है. सॉलिड पार्टिकल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. तो जो डाइजेशन है इसमें सबसे पहले ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फूड को एक्सेप्ट करते हैं यानी अपनी बॉडी में लेते हैं उस समय सबसे पहले हमारी जो आपका फर्स्ट ऑर्गन जो आता है हमारे फूड को रिसीव करने वो होता है हमारी टंग. टंग जो होती है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है. इसमें डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमारे फूड की क्वालिटी उसके टेक्सचर और क्या उसका टेस्ट है इसके बारे में हमारे जो सेंस ऑर्गन है इसको मैसेजिंग करती हैं. भोजन हमारा कैसा है, खराब तो नहीं है, ये हम चाक करके या स्मेल करके इस बात का आसानी से अनुभव कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा जैसे ही आप फूड लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो टंग है इसको रिसीव कर लेती है. स्पून शेप में आपने जैसे ही कोर बढ़ाया ये स्पून शेप में आ करके हमारे फूड को रिसीव कर लेती है. और जब रिसीव कर लेती है तो ये चला जाता है हमारा बक्कल कैविटी में. बक्कल कैविटी में होता ये है कि जो बक्कल कैविटी है तो जो भी आपका जब आप माउथ अपना ओपन करते हैं तो जो एक कैविटी आपको दिखाई देती है पूरी की पूरी जब हमारे माउथ ओपनिंग करने में तो वो आपकी कहलाती है बक्कल कैविटी. तो ये जो बक्कल कैविटी है इसमें आपका टंग होती है, टीथ होते हैं और सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं. टंग जो हमारी होती है ये फूड को मिक्स करती है. टीथ होते हैं, हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं. इनका टीथ का एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिससे आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज हो जाए. अब हमारा फूड जब हमारे माउथ में यानी बक्कल कैविटी में आया तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है उन्होंने सलाइवा सिक्रेट करा और जो टंग है वो फूड को मिक्स करती हैं. टीथ जो हैं उसको मैस्टिकेटिंग करते हैं यानी एक प्रकार से पीसते हैं. पीसने के बाद वो जो फूड है वो एक लेई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिससे हम उसको आसानी से अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं.
अब कोई भी जो फूड पार्टिकल जब हम लेते हैं तो पहली बात तो वो घुलनशील और विसरणशील हो, यानी एक प्रकार से वो डिजॉल्व फॉर्म में हो जाए, तभी हम आपको इजीली उसको ले पाएंगे। साथ ही साथ जो उसका टेम्परेचर है वो भी हमारी बॉडी के आसपास होना चाहिए। आपने देखा होगा अगर आप गर्म चाय या ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो होता ये है कि हम उसको अंदर इंगल्फ नहीं कर पाते हैं, निगल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी से मैच नहीं करता है। इससे होता ये है कि वो हमारे जो बक्कल कैविटी है उसी में वो रुक जाता है और इधर उधर हम उसको घुमाते हैं तब तक जब तक कि वो हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना आ जाए। तो यहां पर आपका ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से आपका फूड आया ईसोफेगस में। जो हमारा डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रेट होता है और सलाइवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन ये फर्स्ट एंजाइम है जो हमारे फूड पर रिएक्ट करता है। इसको हम सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। टाइलिन बोलिए या सेलेवरी एमाइलेज, ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है और हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको बक्कल कैविटी से स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसमें होता ये है कि जो हमारे फूड में स्टार्च है ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। यानी कहने का मतलब ये कि जो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमारी बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पीएच। जो ये टाइलिन एंजाइम है ये एक स्पेसिफिक पीएच पर ही अपना मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो शो करता है। ये पीएच यहाँ पर जो आपका टाइलिन है ये 6.8 जो पीएच है, यानी ये स्लाइटली एसिडिक होता है, इस पर ये अपना मैक्सिमम जो रिएक्शन है उसको शो करता है। अगर ये पीएच घट करके 4 से नीचे आ जाए यानी बिलो देन 4 हो जाए तो ये जो टाइलिन है इसकी एक्टिविटी लगभग न्यूट्रल हो जाती है। तो माउथ में हमारा जो फूड का मीडियम होता है वो होता है एसिडिक। देन आफ्टर जो फूड है वो बोलस के फॉर्म में आपका आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, ये ट्यूब लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और ये केवल कनेक्ट करती है आपका बक्कल कैविटी फेरिंग्स वाले रीजन से स्टमक तक के रीजन को। अब फूड हमारा यहां से होता हुआ आ गया स्टमक में। स्टमक जो है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड का, इंग्लिश का जो लेटर होता है जे, जे शेप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं इसको, कि ये टेम्परेरी फूड को स्टोर करता है। जब हमें फूड मिला, हम कहीं पर भी कार्यक्रम में, शादी बारात में अपना खाना खा रहे हैं तो वो फूड फटाफट फटाफट हमने खाया और वो आकर के हमारे स्टमक में स्टोर हो रहा है। ठीक, अब जब स्टमक में स्टोर होता है तो लगभग यहाँ पर ये 4 घंटे, 4 से 5 घंटे तक रहता है। इस दौरान इसमें होता ये है कि जो इसकी वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, इसमें प्रेजेंट होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये हाई अमाउंट में एचसीएल का सिक्रीशन करती हैं और जो आपका एचसीएल होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक जो आपका नेचर है उस नेचर का होता है। स्टमक में जो आपका एचसीएल सिक्रीट होता है तो एचसीएल आपका जो होता है इसकी रेंज लगभग होती है वैसे तो 1 to 3.5 pH तक होती है, लेकिन ये आपका नियर अबाउट 1.5 to 2 pH तक आपको मिलेगा। यानी हमारा जो आपका स्टमक का रीजन है, यहाँ पर जो आपका फूड का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होता है।
अब स्टमक का जो आपका शेप देखें तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है कार्डियक, कार्डियक और ये वाला जो थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फंडस और नीचे का ये जो रीजन है ये कहलाता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक ये तीन पार्ट होते हैं। इसके अलावा स्टमक के स्टार्टिंग में एक स्फिंक्टर होता है और एक लास्ट में एक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये वाला आपका कहलाता है कार्डियक स्फिंक्टर और ये वाला आपका कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब हम फूड को पूरा मैस्टिकेटेड फूड सलाइवा के साथ जब हमारे स्टमक में आता है तो अब ये फूड हमारे स्टमक में आ गया तो ये फूड वापस न जाने पाए इसलिए ये आपका कार्डियक स्फिंक्टर होता है। बाय द वे अगर हम उल्टे हो गए सर के हमने नीचे कर लिया या हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरा का पूरा फूड जो है वो बाहर आ जाए, तो उस समय ये आपका जो स्फिंक्टर है वो फूड को हमारे स्टमक में स्टोर रखता है। और ये जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये इसलिए होता है ताकि फूड समय से पहले आगे पास आउट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये इस पे HCL का सिक्रीशन करेंगे, साथ ही साथ आपका जो एंजाइम है बेसिकली जो इसमें आपका जो एंजाइम है स्टमक में वो है आपका पेप्सिन और दूसरा है आपका जो मिल्क वाला एंजाइम है पेप्सिन के अलावा है रेनिन। पेप्सिन रिएक्ट करता है प्रोटीन पर और जो रेनिन है ये आपका जो एंजाइम है ये रिएक्ट करता है मिल्क प्रोटीन पर। मिल्क प्रोटीन आपका बेसिकली होती है केसीन, जो केसीन है ये आपका मिल्क प्रोटीन है। तो स्टमक में आपके वैसे तो और भी एंजाइम्स हैं, पेप्सिन आपका प्रोटीन पे और रेनिन आपका मिल्क प्रोटीन यानी केसीन पर आपका रिएक्ट करता है। ये आपका रेनिन जो है ये कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है लास्ट ईयर, ये आपका जो UPPGT का था उसमें भी ये क्वेश्चन आया है रेनिन। स्पेलिंग में इसमें डिफ्रेंशिएट करके कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई थी, इसको आप स्पेलिंग इसकी ध्यान रखें RENIN रेनिन। तो अब यहाँ पर इस pH रेंज पर ये एंजाइम अपना मैक्सिमम रिएक्शन शो करते हैं और इसके बाद यहाँ से जो डाइजेशन होकर के फूड आगे पास आउट होता है। अच्छा, जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसके अपने कुछ स्टैंडर्ड हैं। आजकल जो हमारा खान पान हो गया है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम नहीं है खाने का। मसलन हमने अगर खाया तो हम एक तरफ हम अच्छे अमाउंट में फूड कंटेंट वाले सब्जी भी खा रहे हैं, जो मिल्क कंटेंट के जो फूड हैं उन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही साथ फिर हमने आपका नॉनवेज भी ले लिया या फिर हमने एट लास्ट जो है कॉफ़ी ले ली। तो होता यह है कि अगर हम इस प्रकार इम्बैलेंस फूड कंटेंट को इंटेक करते हैं तो हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो प्रॉपरली हमारे फूड पार्टिकल पे या फूड पे रिएक्शन अपना नहीं दे पाती है। ये ठीक ऐसे ही होता है कि जैसे आप एक कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं तो आपने कटहल भी डाल दिया, कद्दू भी डाल दिया, लौकी भी डाल दी और भी अपना डाल दिए सब्जी, तो अब ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे डाले। मान लो आपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स से पहले डाल दी, बाद में कोई कॉम्प्लेक्स वेजिटेबल्स उसको बाद में डाला, तो होगा ये कि कुछ फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ आपका डाइजेस्ट नहीं होगा और वो आगे पास आउट हो जाएगा। जब ये डाइजेस्ट नहीं होगा पास आउट हो जाएगा तो ये डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिकेंट्स फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि फूड हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं है। साथ ही साथ हम लोग एक गलत फीडिंग हैबिट करते हैं कि हमने फूड लिया और एक मैक्सिमम अमाउंट में हमने उसमें वाटर इंटेक कर लिया साथ ही साथ, तो उसमें जब वाटर इंटेक करते हैं तो वाटर जब यहाँ पर आ जाता है तो पीएच जो है हमारा
ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से जो आपके एंजाइम हैं वो प्रॉपरली उस फूड पर अपना रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। इससे होता ये है कि फूड हमारा फिर जिसे बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, ये पचता नहीं है, फिर ये सड़ता है और एक टाइम तक रहता है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, सड़ जाता है, तो आगे ये पास हो जाता है। अब आगे तो ये चलता है, लेकिन चूंकि डाइजेस्ट नहीं है तो उसके जो कंटेंट हैं, जैसे आपका फूड के जो कंटेंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, तो ये अपने सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तब हमारी बॉडी उसको इंटेक करती है। अब अगर ये यहाँ पर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुए हैं तो ये अपने स्मॉलर और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो जब ये आगे चलेंगे तो इसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स या टॉक्सिकेंट्स हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होना स्टार्ट होंगे। इसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कॉन्स्टिपेशंस बहुत एक मेजर समस्या चल रही है, और भूख ना लगना बहुत ज़्यादा। अब जब ये टॉक्सिकेंट्स बनते हैं तो ये टॉक्सिकेंट्स ऐसा ही नहीं कि केवल हमारे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ये इन टॉक्सिकेंट्स का इफेक्ट हमारे फेस और स्किन पर भी आता है। तो अगर प्रॉपरली प्रॉपरली अपना फूड इंटेक करें एक स्टैंडर्ड पैमाने के अकॉर्डिंग, या अगर हमने फूड लिया है तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दें, तो इससे होगा ये कि जो हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो हम कम फूड इंटेक करके ही अच्छा एक जो उसका फूड का यूजेस है वो हमारी बॉडी कर सकती है। बस ना कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड ले रहे हैं और हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम अमाउंट में दो ही रोटी खाते हैं और एकदम टनाटन है, कुछ बहुत ज़्यादा फूड ले रहे हैं फिर भी वो बहुत दुबले पतले हैं। उसका रीज़न यही है कि उनकी बॉडी में जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अब ये फूड यहाँ पर हमारा एसिडिक मीडियम में था, अब यहाँ से ये चला गया ड्यूडेनम। ये आपका जो सी शेप्ड की ट्यूब है ये आपका कहलाती है ड्यूडेनम, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रहणी। आमाशय के बाद यहाँ से आपका पूरा का पूरा छोटी आंत का भाग स्टार्ट हो जाता है। माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट है ये आपका कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, इसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। तो आहार नाल जो होती है ये लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। आहार नाल कोई जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कोई एक स्पेसिफिक सिंगल ऑर्गन नहीं है, ये पूरी एक पाइपलाइन सर्विस है जिससे होकर के हमारा फूड जो है वो पूरा का पूरा पास होता है। अब ये पूरी यहां से लेकर के यानी माउथ टू एनस आपका हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ये लगभग 8 to 10 मीटर इसकी लेंथ होती है। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहाँ से माउथ स्टार्ट हो जाती है ड्यूडेनम से, और इसकी एंडिंग होती है इस जगह पर, ये लगभग 6 to 6.5 मीटर तक लंबी होती है। ये काफ़ी लंबी होती है और थोड़ा सा नैरो होती है, इस वजह से ये एक क्वाइल्ड फॉर्म में हमारे जो आपका गैस्ट्रिक कैविटी है इसमें आपका ये प्रेजेंट रहती है। लगभग 5 मीटर की एक साड़ी होती है, उससे ज़्यादा हमारी जो इंटेस्टाइन है ये लंबी होती है। अब हमारा फूड आ गया ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में होता ये है यानी ग्रहणी में, ड्यूडेनम में आपका दो ऑर्गन्स जो हैं ये आ करके अटैच होते हैं। फर्स्ट है आपका लीवर से एक ट्यूब आती है जो कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा आकर के यहाँ मिलती है, दूसरी जो ट्यूब है वो पैंक्रियास, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पैंक्रियास, पैंक्रियास से आती है पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों ट्यूब आकर के इस जगह पर इनकी ओपनिंग खुलती है। यानी आपका ये दोनों ट्यूब लीवर से कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियास से आपका पैंक्रियाटिक डक्ट। लीवर से जो ट्यूब आती है कॉमन बाइल डक्ट, ये बाइल यानी पित्तरस का श्रावण इसमें करती है, सिक्रीशन करती है, और जो पैंक्रियाटिक डक्ट आती है ये पैंक्रियाटिक जूस जो है इसका सिक्रीशन हमारी ड्यूडेनम में करती है। अब पहले बात करते हैं लीवर की।
लीवर जो है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लीवर जो है ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल यानी पित्तरस का बनाता है लीवर, और इसको स्टोर कर देता है अपने अंदर जो एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है गाल ब्लाडर यानी पित्ताशय। तो बनाया लीवर ने बाइल जूस और स्टोर कर दिया गाल ब्लाडर यानी पित्ताशय में। अब जब ये यहाँ पर स्टोर कर देता है तो फिर उसके बाद जो गाल ब्लाडर है ये सीक्रेट करता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि विच ऑर्गन्स फॉर्म्ड बाइल जूस, तो फॉर्म्ड अगर कहा गया है तो उस समय हो जाएगा लीवर, एंड विच ऑर्गन इज सीक्रेट, सीक्रेशन की अगर बात कही गई है तो वहाँ पर आपका होगा गाल ब्लाडर। फॉर्मेशन करता है बाइल जूस का लीवर, उसको स्टोर कर देता है गाल ब्लाडर में, गाल ब्लाडर आपको सीक्रेट करता है जिससे कि ये आपका ड्यूडेनम में आकर के ये पित्तरस मिल जाता है। पित्तरस जो होता है ये हमारा जो जब हमारा फूड यहाँ से पास आउट होता है तो ये पित्तरस इसमें आपका सिक्रीशन होता रहता है जिससे ये आपको पित्तरस इसमें मिल जाता है। ये हमारे जो फूड है इसके आगे के जो पैसेज हैं इस पैसेज में जो जाता है तो जब ये मिक्स होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ ही साथ ये जो हमारा इसका जो इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो है ये हमारा जो फूड है इसके जो मीडियम को एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से जो आपका पूरा बाइल जूस सिक्रीट होता है तो यहाँ से आपका जो अब पीएच हो जाता है नियर अबाउट 7.7, यानी आपका यहाँ से जब इसमें बाइल जूस मिल जाएगा तो ये इसका पीएच जो है वो एल्केलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट था एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, देन आफ्टर हाईली एसिडिक, एंड इट फाइनली कन्वर्ट टू स्लाइटली एल्केलाइन। 7 जो पीएच होता है न्यूट्रल का होता है तो 7 से थोड़ा सा एक्सीड हुआ यानी स्लाइटली एल्केलाइन हो गया। अब यहाँ पर ये एल्केलाइन मीडियम में ही आगे के जो भी आपके एंजाइम्स हैं वो वर्क करेंगे। पेंक्रियास जो है ये आपका पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, तो पेंक्रियाटिक जूस में आपके जो एंजाइम हैं वो आपका है बेसिकली एमाइलेज, ट्रिप्सिन और तीसरा है आपका काइमोट्रिप्सिन। और भी एंजाइम है, ये मेजर एंजाइम है तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमाइलेज जो है ये आपका रिएक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पर, ट्रिप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन पर, और ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये आपका मिल्क प्रोटीन पर रिएक्शन करता है। मिल्क प्रोटीन है आपका केसीन, तो ये आपका इस पे मेनली इसका रिएक्शन रहता है। अब फूड यहाँ से आपका होता हुआ चला आया स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे चला आया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है पूरी 6.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो है ड्यूडेनम, सेकंड जो पार्ट है जैसे यहाँ से आपका एंटर कर जाती है उसके बाद जो सेकंड पार्ट है तो यहाँ से आप अगर लीजिए तो लगभग जो आपका 2.5 मीटर जो भाग होता है वो होता है जेजुनम का, यानी ये जेजुनम। फर्स्ट आपका लगभग 30 सेंटीमीटर या आधा मीटर तक, आधा मीटर से वैसे कम होती है, 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। तो ये आपका सी शेप जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है ड्यूडेनम। उसके बाद 2.5 मीटर जो आपकी लेंथ होती है वो आपका होती है जेजुनम। अगर इसको हम हाफ मीटर मान लें तो 3 मीटर नियर अबाउट हाफ मीटर ये और 2.5 मीटर ये हो गया, यानी 3 मीटर हमारा कंज्यूम हो गया, बचा हमारा लगभग 3 से 3.5 मीटर। तो जो 3 से 3.5 मीटर लास्ट का जो पार्ट है वो आपका कहलाता है इलियम,
यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं। फर्स्ट आपका हो गया ड्यूडेनम, सेकंड आपका हो गया जेजुनम और थर्ड हो गया इलियम। ड्यूडेनम में कोई भी आपका ग्लैंड नहीं पाई जाती है जो डाइजेशन में हेल्प करे। जेजुनम में आपका बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो इसमें डाइजेशन वगैरह प्रोसीड करती हैं, बहुत सारे एंजाइम इसमें सिक्रीट होते हैं। बेसिकली जो आपका ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें फैट्स का डाइजेशन होता है। फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। वैसे आपका स्टमक में सेमी डाइजेशन हो जाता है, फाइनली डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन उसमें भी आपका जो फैट्स है, फैट्स का जो मेजर डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ही होता है। देन आफ्टर जो आपका इलियम वाला पार्ट है, यानी उसके आगे का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें केवल एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब उनको हमारी बॉडी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जो भी फैट्स हैं, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट जो होता है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको इस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बाद ये हमारा फूड, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो आपका ये पोर्शन दिखाई दे रहा है सी शेप, ये आपका पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लगभग 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। अब ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें आपका अटैच होगी। एक बात और कि जब हमारा फूड यहाँ पर पास आउट होता है, मूव करता है, तो उस मूव करने में एक मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो फूड एक पाइप में डाला गया तो वो धीरे धीरे सरकता हुआ आगे बढ़ गया। आप देख रहे हैं ये एक सुपर कॉयल, एक हाईली क्वाइल्ड मैनर में इंटेस्टाइन है। कुछ पोर्शन पहले नीचे आया है, फिर ऊपर भी चला गया, फिर नीचे आया। तो अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ये कैसे वर्क करता है? उसमें होता ये है कि एक पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंग गति। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये आपका कोई पाइप है, ये पाइप है, इसमें आपका जो फूड है वो नीचे पास हो रहा है धीरे धीरे। अब ये तो पूरा जिगजैग मैनर में है, तो यहां कैसे होगा? होता यह है कि यहां पर आपका रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये जो कुछ पोर्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसी टाइम पर ये रिलैक्स कर जाता है, तो वॉल्यूम यहां पर इस जगह पर बढ़ जाता है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है फूड इस वाले पोर्शन में आ जाता है। अब उस समय ये वाला जैसे ये आपका ये वाला यहां से कॉन्ट्रैक्ट करा, ये वाला पार्ट रिलैक्स है, फूड यहां पर आ गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन रिलैक्स कर जाएगा, फूड हमारा नीचे आ जाएगा। यानी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता रहता है और फूड हमारा इजिली उसमें मूव करता रहता है। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है अल्टरनेट फॉर्म में रिदमिकली, यानी एक लयबद्ध प्रक्रिया के तहत ये कार्यक्रम जो होता है, ये आपका कहलाता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, इसी मूवमेंट की वजह से हम चाहे जिस फॉर्म में हो, हम चाहे उल्टा लटक जाएं, चाहे जैसे भी टेढ़े मेढ़े हो जाएं, हमारी डाइजेशन जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल अपने मैनर में कंटिन्यू होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी झूले पे झूल रहे हैं या पेड़ पर उल्टे लटक गए तो हमारा सारा फूड नीचे आ गया, अब वापस फिर वो चलेगा डाइजेशन के लिए, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो चला गया तो वो उस रिदमिकली मूवमेंट यानी उस पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आगे की तरफ मूव करता रहता है। अब ये फूड हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन ये आपका एक सी शेप्ड चूल्हे की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें केवल एब्जॉर्प्शन होता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी कहा गया कि डाइजेशन यहाँ पर, सॉरी एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, फिर यहाँ किस बात का एब्जॉर्प्शन हो रहा है?
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो भी फूड कंटेंट हैं, उन फूड कंटेंट जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और फैट्स है, तो इन ये अपने सिंपलर फॉर्म में जब डाइजेशन प्रक्रिया के तहत कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके लिए इसकी दीवार में एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं हाईली मैनेज्ड फॉर्म में, और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब ये फूड हमारा आया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो नियर अबाउट 99% उसमें से आपका जो डाइजेशन वाली एब्जॉर्प्शन वाली प्रक्रिया है फूड कंपोनेंट की, वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो फूड इसमें आता है वो उसमें केवल आपका वाटर और कुछ लाइट अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। तो मैक्सिमम जो जब यहाँ से फूड मूव करता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन केवल वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर उसमें लाइट अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है तो ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी। बेसिकली ये 99.9% ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर स्ट्रक्चरली मैनर में हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को देखें, तो इसका जो पहला ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका ये आपका पोर्शन कहलाता है सीकम। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो आपका बल्जी पोर्शन होता है ये कहलाता है सीकम, यानी ये वाला पोर्शन आपका सीकम हो गया। और ये जो लास्ट का पोर्शन है नीचे का, ये कहलाता है रेक्टम। फर्स्ट पार्ट सीकम, लास्ट पार्ट रेक्टम। बीच का ये जो आपका सी शेप्ड का एक चूल्हे नुमा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता है कोलन। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये थ्री पार्ट्स होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसको कोलन को कई थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे ये आपका एसेंडिंग कोलन, ये आपका पोर्शन एसेंडिंग कोलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ये आपका डिसेंडिंग कोलन हो गया। वो तो उसके फर्दर फॉर्म है, लेकिन बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा कोलन कहलाता है। अब यहाँ जो कोसीकम वाला पार्ट है, यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, उंगली नुमा प्रवर्ध जो है ये दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता है अपेंडिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। अपेंडिक्स जो है आपका ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अब अवशेषी अंग क्या होते हैं, या वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स अभी भी हम लोगों में कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो हमारे एंसेस्टर्स बहुत पहले जब मानव सभ्यता का विकास हुआ उस समय मनुष्य को आग का ज्ञान था नहीं, तो स्टार्टिंग में वो क्या करता था, जो भी उसको मिला रॉ वेजिटेबल्स वो उसको उसी फॉर्म में कच्चे फॉर्म में कंज्यूम कर लेता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसको पकाया जा सकता है। तो जब वो उस टाइप का फूड इंटेक करता था, तो उस समय ये जो आपका अपेंडिक्स थी ये उसमें फंक्शनल फॉर्म में थी, हाईली डेवलप्ड थी और फंक्शनल फॉर्म में थी। आप जानते हैं कि जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो आपका प्लांट्स होते हैं, इनमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है आपका सेलुलोज। तो सेलुलोज जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, जब हम इसको कच्चे फॉर्म में यानी विदाउट पकाए हुए अगर हम उसको कंज्यूम करें, तो ये सेलुलोज हमारी बॉडी में आ जाता है। अब चूंकि उस टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ उस समय उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो वो सब कच्चा खाते थे, तो हाई अमाउंट में उनके बॉडी में सेलुलोज आता था। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑर्गन अपना वर्क करता था, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्पेशली सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ये सिक्रीट करता था। लेकिन अब चूंकि हम हाईली मॉडर्नाइज और कल्चर्ड हो गए हैं, हम प्रॉपरली उसको पका के खाते हैं, तो पकाने में होता है ये सेलुलोज जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी सेलुलोज के फॉर्म में वो नहीं रहता। इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय से सेलुलोज नहीं आ रहा है। अब चूंकि सेलुलोज नहीं आ रहा है, इसलिए ये अपेंडिक्स ने अपना वर्क करना बंद कर दिया है। लेकिन ये ऑर्गन्स के फॉर्म में अभी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ऑर्गन्स है पर फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, प्रेजेंट है पर कार्य नहीं करता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी में प्रेजेंट है पर फंक्शनल फॉर्म में नहीं, वो आपके कहलाते हैं सारे के सारे अवशेषी अंग, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड आया, फूड यहाँ से आपका पास होता हुआ यहाँ पर हाई अमाउंट में जो वाटर है वो इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद ये हमारा फूड यहाँ से होता हुआ रेक्टम में, रेक्टम से आपका ये यहाँ से पास आउट हो जाता है। जब फूड यहाँ से सॉरी जो आपका वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रीट जो फीकल मैटर है वो जब बॉडी से निकलता है तो उस जो फीकल मैटर है फीकल मैटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। पहले स्टार्टिंग में एसिडिक था, स्लाइटली एसिडिक, देन आफ्टर हाईली एसिडिक, उसके बाद ये आपका एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वहाँ पर 6.8 था, यहाँ पर आपका 1.5 to 2 पीएच था, यहाँ पर आपका 7.7 आ गया। लेकिन जब ये हमारी बॉडी से निकलता है तो ये न्यूट्रल होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर आपका यूरिन या जो आपका फीकल मैटर है इसको चेक कराता है, क्योंकि इससे ये आपका अगर दे इसके केवल एसिडिक मीडियम से ही वो पता लगा लेता है कि आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया प्रॉपरली है या नहीं है। तो लास्ट में जो हमारा फीकल मैटर निकलता है वो न्यूट्रल निकलता है, यानी ये एक प्रकार से एक हेल्दी पर्सन की एक निशानी है। तो ये है हमारा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसीजर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है या हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।